कृष्ण को हिंदू धर्म में पूर्णावतार माना गया है। इस धरती पर उनसे बड़ा ईश्वर तुल्य कोई नहीं है, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया है। कृष्ण ही गुरु और सखा है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण है राजनीति, धर्म, दर्शन और योग का पूर्ण वक्तव्य। कृष्ण को जानना और उन्हीं की भक्ति करना ही हिंदुत्व का भक्ति मार्ग है। अन्य की भक्ति सिर्फ भ्रम, भटकाव और निर्णयहीनता के मार्ग पर ले जाती है। आज के समय में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उन महामूर्खों के निराधार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि परमावतार श्री कृष्ण के अस्तित्व के आज हम आपको 5 प्रमाण बताने वाले हैं, जिन्हें आपको जानना आवश्यक है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। बात करते हैं पहले प्रमाण की। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में जन्म लेने को लेकर यूं कोई संदेह नहीं। धर्म ग्रंथों में उनकी ना जाने कितनी लीलाओं का वर्णन है। इसके पुरातात्विक प्रमाण भी मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर जानकारी में नहीं। 97 साल पहले गताश्रम टीला में मिली मूर्ति को भगवान कृष्ण के जन्म का पुरातत्व में पहला प्रमाण है। धर्म ग्रंथों की तरह भूगर्भ से मिले प्रमाण भी यही बताते हैं कि भगवान का जन्म मथुरा में ही हुआ है। बात है सन 1917 की, जब गताश्रम नारायण मंदिर विश्राम घाट में खुदाई के दौरान एक शिलापट मिला। शिलापट राजकीय संग्रहालय में रखवा दिया गया। इसमें वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पर टोकरी में रखकर यमुना पार कर गोकुल ले जा रहे हैं। इसमें कालिया नाग उनकी वर्षा से रक्षा कर रहा है। पूर्व वीथिका सहायक शत्रुघ्न शर्मा बताते हैं कि शिलापट लगभग 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। ये शिलापट भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पुरातत्व में पहला प्रमाण है। इसमें श्री कृष्ण की जन्म की लीला को दिखाया गया है। टीले से मिले एक और शिलापट में गोवर्धनधारी कृष्ण दिखाए गए हैं। इसमें भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। बात करते हैं दूसरे प्रमाण की। हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले शोधकर्ता ने खगोलीय घटनाओं, पुरातात्विक तथ्यों आदि के आधार पर कृष्ण जन्म और महाभारत युद्ध के समय का सटीक वर्णन किया है। ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवम्बर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण 55 से 56 वर्ष के थे। तीसरे प्रमाण की बात करते हैं और वह है द्वारिका। नौसेना और पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से द्वारका नगरी की खोज की शुरुआत की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक एके सिन्हा के अनुसार द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर खुदाई भी की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए उत्खनन में सिक्के और कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। डॉक्टर एस आर राव जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में थे, उन्होंने समुद्र के अंदर द्वारिका नगरी को खोजा और वहां मिले अवशेषों पर शोध किया। उन्होंने कहा कि यह महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार है। उनका कहना था कि द्वारिका नगरी वही है जो महाभारत में वर्णित द्वारिका है। उन्होंने कहा कि यह वही द्वारिका नगरी है, इसलिए श्री कृष्ण भी है, यह भी साबित होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी द्वारा जलमग्न द्वारिका नगरी पर किया गया शोध, आप डॉक्टर एस आर राव की शोध आधारित पुस्तक द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका को आप देख सकते हैं। अब आते हैं चौथे प्रमाण पर और वह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता द्वापर युग में लिखा गया ग्रंथ है जो वर्तमान में मौजूद है। इस ग्रंथ में लिखा हुआ हर शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। यह ज्ञान इतना अद्भुत है कि हर श्लोक पर एक नई पुस्तक लिखी जा सकती है। ऐसा ज्ञान कोई सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। यह प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। नवीनतम शोधानुसार यह 3067 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में और वह है निधिवन। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में आज भी प्रसाद रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों से देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही रात्रि को कोई विश्राम करने आया था। लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की यह खासियत है कि यह इनके तने सीधे नहीं मिलेंगे और इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी और आपस में गुथी हुई होती हैं। निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है, ताकि वह रासलीला के बारे में किसी को भी ना बता सके। ऐसा कई लोगों के साथ हो भी चुका है। तो मित्रों, आज हमने बात संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण के 5 प्रमाणों के बारे में जो वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रमाणित हो चुके हैं। इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।